हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में पासपुर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, प्रश्नावली अभ्यास वन इज कक्षा 8 का जो यूपी की सरकारी किताब है दोस्तों गणित, उसका हम लोग वीडियो सीरियल वाइज अभ्यास पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वहीं पर आ रहे हैं, देखिए वाणी के क्या है दोस्तों। पहला सवाल हम लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन चुनना है दोस्तों, देखिए इसमें का पहला बता दे रहा हूँ। पहला क्या है दोस्तों हम लोगों का, ये सवाल है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सत्य कथन चुनना है, यानी बराबर का चिन्ह है दोस्तों, यानी इधर का भी संख्या जो आएगी दोस्तों हम लोग का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बराबर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य है। बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे असत्य है। अब देखिए दोस्तों, गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। दो तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, और पंचों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 बराबर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। दो तिहाई 6 और 4 5 20, दोनों तरफ का बराबर आ गया दोस्तों, तो लिख देंगे क्या हम लोग, सत्य है। अगर बराबर नहीं आता तो लिख क्या लिखते दोस्तों, असत्य है। आइए इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है गुणा के रूप में। क्या करेंगे दोस्तों, इधर का हल करेंगे, इधर का हल करेंगे, दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। दो एक कम है 2, और 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। ये क्या है दोस्तों, बड़ा कोष्ठ में है गुणते। ये कितना दोस्तों, माइनस 2/7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2/3 गुणते। दो एक में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 5 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। दो दुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। 15 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 बराबर। दो दुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। और 35 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 105। दोनों तरफ का बराबर आया है दोस्तों, इसे भी क्या लिख देंगे दोस्तों, सत्य है। अब देखिए दोस्तों, इसमें का तीसरा सवाल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या माने क्या होता है दोस्तों, भिन्न को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और भिन्न कैसे रहता है दोस्तों, जो अंश और हर के रूप में हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग भिन्न कहते हैं। और भिन्न को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, इसका क्या करेंगे दोस्तों, 3/4। गुणनफल माने क्या होता है दोस्तों, गुणा, और एक कितना है दोस्तों हम लोग का, -5/7। इसका गुणनफल क्या क्या कह रहा है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं है परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, और 4 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। ये क्या है दोस्तों हम लोगों का, बटे के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। और भिन्न को ही क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, परिमेय संख्या। और किताब में ये क्या कह रहा है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं है, और हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, परिमेय संख्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा, असत्य है। वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, हम लोग क्या आ रहा है दोस्तों, परिमेय संख्या, तो लिख देंगे असत्य है। इसी तरह इसको कर लीजिएगा दोस्तों, पहले के चौथे को, इसको भी क्या करना है दोस्तों, सत्य कथन को चुनना है, यानी इसे क्या करना है दोस्तों, इधर का गुणा कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, और दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो दोस्तों क्या लिख देंगे, सत्य है। दोनों बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, असत्य है। आइए दोस्तों, दूसरा का बता दे रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों हम लोग का, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है दोस्तों गुणा करके। अब देखिए दोस्तों, इसमें का तीसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरे का तीसरा सवाल सत्यापित करना है दोस्तों, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सत्यापित करते हैं, -8/7 वैसा ही रहेगा दोस्तों गुणे,
एक का चार में गुणा करेंगे दोस्तों चार ही होगा, और दो तय कितना हो जाएगा दोस्तों छः, ये कोष्टक में लिख देंगे। इस कोष्टक आठ का एक में गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आठ, और सात दुना कितना हो जाएगा दोस्तों 14, गुणते माइनस चार बटा कितना दोस्तों 3। अब गुणा कर देंगे दोस्तों, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा दोस्तों, 8 का कितना हो जाएगा 32, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 42, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे दोस्तों प्लस, 8 का 32, 14 तय कितना होता है दोस्तों 42। दोनों तरफ का समान आ गया दोस्तों, और लिख देंगे अत सत्यापित हुआ, अत सत्यापित हुआ, अत सत्यापित हुआ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्लस नहीं लिखाता है, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, 32/42 लिखेंगे, 32/42। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं तीसरा सवाल बता रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, पहला देखिए इसमें का हल कर रहे हैं 2/11 गुणते -3/ क्या है दोस्तों हम लोगों का 7 है, बराबर क्या है दोस्तों -3/7 गुणते ।। इसी को पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान के स्थान पे क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का। देखिए इसमें का जो परिमेय संख्याओं की जोड़ में दोस्तों बता चुका हूँ कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कैसे करते हैं। रिक्त स्थान के स्थान पे क्या मानते हैं दोस्तों हम लोग, यक्ष मानते हैं। अब देखिए दोस्तों ये गुणा में है, ये भाग में है दोस्तों, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा। देखिए 2/11 -3/7 और ये 7 नीचे है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और ये -3 है दोस्तों ऊपर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -3। यानी क्या किए हैं दोस्तों, अंक एक तरफ किए हैं। अब देखिए दोस्तों -3 से -3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का मान क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का 2/11, 2/11 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी रिक्त स्थान के स्थान पे क्या बार आएगा दोस्तों हम लोगों का 2/11। इसी तरह क्या करेंगे दोस्तों इसमें का, देखिए तीसरा सवाल बता दे रहा हूँ, दूसरा कीजिएगा। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, चलिए दूसरा भी बता दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का, ध्यान से देखना है क्या करेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए 2/3 है, इधर 2/3 नहीं है, 3/2 है दोस्तों, 3/-2 है, 3/-2 है, इससे ये क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 2/3 इधर 2/3 नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या बनाएगा दोस्तों 2/3। अब देखिए दोस्तों -11/3 इधर है, लेकिन इधर -11/3 नहीं है, क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ क्या बनाएगा हम लोगों का, यहाँ क्या बनाएगा दोस्तों -11/3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग को -11/3 यहाँ भराएगा। देखिए दोस्तों -11/3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि -11/3 यहाँ भराएगा, 3/-2 से दोस्तों ये क्या हो गया हम लोगों का कैंसिल हो गया है, सेम सेम मिल रहा है दोनों तरफ है। अब 2/3 इधर है दोस्तों लेकिन इधर नहीं है 2/3, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ क्या भराएगा दोस्तों हम लोगों का -2/3, 2/3 इधर है इधर नहीं है, तो 2/3 इधर भराएगा, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरह कर लेंगे दोस्तों। आइए इसमें का तीसरे का तीसरा बता दे रहा हूँ, छोड़िए करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए -5/7, अब देखिए दोस्तों इसे हल कर रहे हैं हम लोगों का, तीसरा का तीसरा है दोस्तों, -5/7 है दोस्तों गुणा है, गुणा कर दीजिए, -5/7 गुणते यहाँ क्या है दोस्तों ।, है ।, कर देंगे। अब देखिए दोस्तों प्लस है, प्लस लिखेंगे, -5/7 का अब इसमें गुणा होगा दोस्तों, -5/7 वैसे ही लिख देंगे और गुणा, इसका इसमें होगा तो दोस्तों इसको भी गुणा में लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका ।, में गुणा कर दिए दोस्तों, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -5/7 और गुणते -4/7 बराबर
देखिए दोस्तों, माइनस 5/7 और यहाँ बराबर है दोस्तों, और गुणते 2/5 और प्लस डॉट 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 दोस्तों गुणते माइनस 4/7। अब क्या कर देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, अब क्या है दोस्तों, माइनस 5/7 है, माइनस 5/7 मिल रहा है, 2/5 है यहाँ दोस्तों, यहाँ खाली है, तो यहाँ क्या भरेगा दोस्तों हम लोग का 2/5। अब देखिए दोस्तों, प्लस है, प्लस है, माइनस 5/7 है दोस्तों, इधर माइनस 5/7 नहीं है, यानी इसके स्थान पे क्या भरेगा दोस्तों हम लोग का माइनस 5/7। माइनस 4/7 है दोस्तों, माइनस 4/7 है, सेम से मिल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ खाली स्थान था, यहाँ 2/5 है, तो क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ 2/5, माइनस 5/7 है, इधर क्या है दोस्तों, खाली स्थान है इसके स्थान पे, तो यहाँ क्या भर देंगे दोस्तों, खाली स्थान की जगह पे माइनस 5/7 और माइनस 4/7, माइनस 4/7 सेम से मिल रहा है दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये दोनों आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।